told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you feel that way. सामने देख रहे हो शिव जी का मंदिर है यहाँ पर। तो हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड। बस स्टैंड शिकंदी बस स्टैंड आए हम जरा लंबे रास्ते से आए, बट ये है कि ये रास्ता जो है ये स्मूथ है। होटल में पूरी करिए बाहर, अब करेंगे हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट। और बता दिया हमने चाय के लिए, बता दी चाय बोल दिया। हाँ तो बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ कहीं क्या देख लो, कहीं ले लो, उसमें क्या है। हमारी परांठे वाली प्लेट, उसमें है शायद मक्खन का है, मक्खन तो बोला था, मक्खन का ही। चलो रहने दो, कोई नहीं रहने दो, मक्खन के बिना दही ठीक है। अगर दही तो बोलो नहीं। तो हमारा परौंठा हो गया है, हमने परौंठा खा लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर की लोकेशन। यहाँ से निकल कर हम हैं अभी वहाँ से, सामने देख रहे हो आप शिव जी का मंदिर है यहाँ पर, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने खाना खाया और यहाँ पे अभी धूप भी बहुत अच्छी है। देखो ये लो, ये लो सूर्य वंशम। तो ये देखिए हम कितनी सुंदर जगह पे हैं, यहाँ से बहुत खुला सा दिखाई देता है, सारी जगह बहुत ओपन ओपन से दिखाई दे रही है यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे हम कर रहे थे ब्रेकफास्ट, अभी वो हो रहे हैं रेडी, वो देखिए रेडी कर रहे हैं, उनके दूसरी बार कपड़े चेंज होंगे। तब तक मैं आपको बताती हूँ सुंदर सी जगह, वहाँ पे है महादेव जी का मंदिर, आपको बता रही थी वहाँ से भी उस पहाड़ी पे, वहाँ पे
ये यहाँ पे महावीर जी का मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पर। कभी जाएंगे उस तो फिर आपको बताएंगे। अभी हम चलते हैं आगे की जर्नी की ओर, हम उनका इंतज़ार कर लेते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि छोटी छोटी चीज़ों को ना अपने आप में बड़ा बनाना चाहिए, जैसे कि खुश रहना सीखना चाहिए होता है। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं स्कूटी से, और कुछ लोगों की बात करें तो वो सोचते हैं कि स्कूटी से कैसे ट्रैवल करेंगे, कैसे पहुंचेंगे, पर हमने ना इस अपनी प्यारी स्कूटी को ही अपना वो बना दिया है। तो ये हम स्कूटी के साथ हमने अपनी बहुत सारी जो है जर्नी कंप्लीट की है, और हम खुश भी हैं इन चीज़ों से। मैं दिखाती हूँ, हमारे सामने बस आ रही है, तो बस कितने स्लो स्लो आ रही है। मैंने क्यों स्लो चल रही है, पर बहुत स्लो चल रही है, शायद ख़राब हो गई है बस। वो भी आ गए हम, मेरा मोबाइल फोन मेरे बैग में है। आपका पर्स का है? तेरे पास? हाँ, मेरे पर्स से पर्स है। हाँ चलो, ठीक है, बन गया आप। वो पूरा पैक हो गया। चलिए। हाँ हाँ, मैं थोड़ी देर पैदल भी चलाई थी यहाँ से, थोड़ी देर पैदल भी चल रही है ना। चलो ठीक है, पराठा खाए और चलते हैं आगे। आगे आप लंच करवा देना भैया। स्पीड कम हो जाती है इनकी गाड़ी, स्पीड कम हो जाती है गाड़ी की, स्लो स्लो चलने लगती है। बस भी बहुत स्लो चल रही थी। अच्छा, वो भी तो लोड ही थी उसमें सवारियाँ थी। तो खाना खाने रुके हम यहाँ पर भोजनालय में, अब कर लेते हैं लंच। दिखाते हैं आपको लंच कैसे है। मीठा कड़ी, राजमा, ये चावल और साथ ही सब्जी और सलाद, ये सब कुछ है। अतिथियों का अच्छे तरह से वेलकम किया जाता है। यहाँ पे कर लिया हमने लंच, बहुत अच्छा लंच था यहाँ पर। अब जा रहे हम घर की ओर वापस। भोज डाल लिया, ऐसा खाना बहुत अच्छा था। दीदी किसमें रह दू ना जा। अब हमारा आज हमारा ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर नहीं होना चाहिए। Tell me what's wrong.
कहाँ रुके हम? नया फोर माँ थके तो यहाँ हमने ब्रेक ली है जलजीरा वाली। ये है बिलासपुर का वो जगह और ये है यहाँ पे बैठी हुई है जूस पीने के लिए और जोर हर 10-10 मिनट बाद खाना कभी कुछ कभी कुछ। अभी हमने वो वाले रोड पे जाना है वहाँ पे निकलना है उस जगह जाएंगे फिर एरिया क्रॉस करके। लोगों ने यहाँ पे मंदिर कितने मंदिरों के आसपास घूमने के लिए बना रखा है ये पुल बिलासपुर चांदपुर का है शायद चांदपुर पुल है यहाँ। यहाँ पे पहले क्या होता था? पहले नहीं होता था यहाँ पे कुछ भी ऐसा? पहले पूरी बिलासपुर रियासत थी बिलासपुर ठीक है। ये जो मंदिर राजा महाराजों ने बनाए हैं मंदिर बहुत प्राचीन। मैं भी देख रही हूँ यहाँ से ना देखो ये पूरे जो शिखर शैली के मंदिर बने हुए हैं ये ठीक है। शिखर शैली के मंदिर थे ये बट अनफॉर्चुनेटली जब भाखड़ा नंगल जब देश आजाद हुआ तो बड़ी बड़ी परियोजना थी भाखड़ा नंगल परियोजना तो उसके अकॉर्डिंग जो डैम जब बना तो सारा पानी रुक के ये बन गया पूरा ठीक है ना। तो यहाँ बहुत नीचे तक जो है लोग रहा करते थे सेम ऐसे उसमें भी है पोंग डैम में भी है पोंग साइड ना कांगड़ा में वहाँ भी ऐसा ही है। तो ऐसा है बहुत ऐतिहासिक जगह है। यहाँ से मुरारी देवी का मंदिर दिखा है ऊपर देखो ये है हाइड्रोकॉलेज हाँ ये तो देखा है। यहाँ के पास में छोटू का घर है इसका चलो yeah I'm about to fade away cause every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby I have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Oh, 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 oh
pictures. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. यहाँ देखें हम नारियल जूस पीने के लिए।